वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम लोग बनाएंगे पुठी मछली का सरसों पेस्ट के साथ। चलिए इसके लिए जो सामग्री हमको चाहिए वो देख लेते हैं। हमको चाहिए शॉर्ट पुठी मछली, हरी मिर्ची, करायत, हल्दी, सरसों, नमक और सरसों का तेल। चलिए बनाना शुरू करते हैं सरसों पुटी। चलिए मछली बनाने के लिए सबसे पहले आप कढ़ाई बैठा ले और उसमें डाल ले तेल। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम लोग मिक्सी में सरसों डाल लेंगे और साथ में डाल लेंगे कुछ हरी मिर्चें। अब इसको हम लोग एक स्मूथ पेस्ट बना कर तैयार कर लेंगे। हल्का सा नमक भी इसमें डाल लें। अब इसको पीस ले। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम लोग मछली में थोड़ा सा हल्दी डाल लेंगे और थोड़ी सी नमक डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब देख सकते हैं इस बीच हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम लोग मछली के पीसेस इसमें फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो हम लोग दूसरे तरफ के लिए इसको पलटा के फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हैं एक तरफ फ्राई हो गई है तो हम लोग इसको दूसरे तरफ के लिए पलटा देंगे। इसको बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करेंगे, हल्का ही फ्राई करिएगा। इसी तरह से बाकी मछलियाँ भी हम लोग फ्राई करके निकालेंगे। आप देख सकते हैं मछली करीब करीब फ्राई हो गई है अच्छे से दोनों तरफ। और इसी बीच हम लोगों ने ये सरसों का पेस्ट भी बना के तैयार कर लिया है, सरसों और हरी मिर्च और थोड़ी सी नमक डाल के। अब हम लोग मछलियों को निकाल लेंगे। देख सकते हैं सारी मछलियाँ फ्राई हो गई है। अब हम लोग इसी तेल में ही, कोई एडिशनल ऑयल का यूज़ ना करते हुए, इसी तेल में ही हम लोग डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी यानी कि करायत का छौंका। और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे दो तीन हरी मिर्ची, इस तरह से हाथ से तोड़ के हम लोग डाल देंगे। और साथ ही में हम लोग जो मछली फ्राई करके रखे हुए हैं वो भी इसी में डाल देंगे। अब साथ में हम लोग डालेंगे ये जो सरसों का पेस्ट हम लोगों ने बना के रखा हुआ है वो पेस्ट। हम लोग बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। जो बाकी बचा हुआ है मिक्सी के जार में उसमें हल्का सा पानी मिला के हम लोग उसको घोल के उसको भी हम लोग इसी में डाल देंगे। और साथ ही साथ आप उतना पानी डालें जितनी की आपको तरी की आवश्यकता है, डाल दें और इसको अच्छे से मिला लें। और साथ में इसमें आप डालिए नमक स्वादानुसार। साथ ही साथ आप डालिए इसमें हल्दी पाउडर और इसको मिला लें। अब इसमें अच्छा सा उबाल आने दें।
आप देख सकते हैं इसकी कड़ी देखिए काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है, यानी कि आपकी जो सब्जी है मछली की वो बनके तैयार है। ये फिश करी बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे और गर्मा गर्म स्टीम राइस के साथ इसको सर्व करेंगे। लीजिए, बनके तैयार है आपकी सरसों पुटी। अगर आपको हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये गर्मा गर्म राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, बनाइए और खा के बताइए। धन्यवाद।